तो नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट हो ए का। अब क्या मतलब है स्टूडेंट स्टेटमेंट का, कहते हैं कि अगर एक्स कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो और ए जो है वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जो है उसका क्या हो, सबसेट हो। एक्स कोई भी है, क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए जो है वो इसका क्या है, सबसेट है। कहता है ये जो ए है ये क्लोज्ड होगा, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ, ये ए कहता तभी क्लोज होगा अगर ड्राइव सेट ऑफ ए जो है वो सबसेट हो ए का। ठीक है स्टूडेंट, कहता है कि अगर एक्स क्या हो, कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो और इस एक्स का कोई भी एक सबसेट हम ले रहे हैं ए, और कहता है ये जो ए है ये क्लोज तभी होगा अगर ए के जितने भी ड्राइव सेट हैं वो इस ए के क्या हो, सबसेट हो। अब ड्राइव सेट का भी स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ, ये क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास होते हैं लिमिट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कि किसी भी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट है अगर हम उन सब लिमिट पॉइंट को एक ही सेट के अंदर लिख दें तो वो जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं ड्राइव सेट, और उसको डिनोट करते हैं डी ऑफ ए के साथ। तो कहता है अगर एक्स कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसका ए जो है एक सबसेट है, ये जो ए है ये क्लोज होगा अगर उसके जो ड्राइव सेट है वो उस ए के क्या हो, सबसेट हो। तो उसमें जब वो इफ एंड ओनली इफ का वर्ड यूज करता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक बार हमने पहले हिस्से को ट्रू मानकर दूसरे को प्रूव करना होता है, फिर उसका कन्वर्ट करना होता है, दूसरे वाले को ट्रू मानकर पहले वाले को हमने प्रूव करना होता है। तो आइए स्टूडेंट इसका जो थ्योरम है यानी कि प्रूफ है उसको हम देखते हैं। प्रूफ, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ए जो है हमारे पास क्लोज है, हम ए को लेके इस चीज को प्रूव करेंगे। हम यहां पे लिख लेते हैं लेट ए इज क्लोज्ड। हमने मान लिया है कि ए जो है हमारे पास क्या है, क्लोज है। अगर ए क्लोज है तो इसका मतलब ये हुआ देन ए जो है वो इक्वल टू होगा क्लोजर ऑफ ए के। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहां पे कह लिया कि ए क्या है, ए क्लोज है, सेट है, ए इज क्लोज, देन ए जो है वो इक्वल टू होगा क्लोजर ऑफ ए के। अब हमने ये स्टूडेंट पढ़ा हुआ है कि जो क्लोजर ऑफ ए है वो इक्वल टू होता है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए के। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने थ्योरम प्रूव किया हुआ है लास्ट वीडियो में कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो इक्वल टू होता है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए के। फिर हम यहां पे क्लोजर ऑफ ए की यहाँ पे इसकी ये वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं, इसका मतलब यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल टू होगा ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट ए जो है वो इक्वल टू है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए के, तो इसका मतलब यहां से ये हमें पता चल गया कि जो ड्राइव सेट ऑफ ए है वो सबसेट होगा इस ए का। देखो यहां पे क्या आ रहा है, ए यहां पे क्या आ रहा है, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इनका यूनियन करने से ये सेट ए के इक्वल ही आ जाता है, तो हमें तो ये पता है कि हर सेट जो है वो अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इससे फिर हम ये लिख सकते हैं कि ड्राइव सेट ऑफ ए जो है वो इस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। हमने यहाँ पे ये सपोज कर दिया था कि ए हमारे पास क्लोज है, तो ए को क्लोज मानकर हमने ये प्रूव कर दिया कि ड्राइव सेट ऑफ ए जो है वो इस ए का क्या होता है, सबसेट होता है। अब हम इसका कन्वर्स देखेंगे, हम क्या करेंगे,
इसको सपोज कर लेंगे कि ड्राइव सेट ऑफ ए जो है इसका सबसेट है, और ये प्रूव करेंगे कि ए जो है वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो आइए इसका कन्वर्सली देख लेते हैं प्रूफ। कन्वर्सली तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं जी, लेट ड्राइव सेट ऑफ ए जो है वो सबसेट है ए का। ठीक है सुन, हमने यहां पे ये मान लिया कि ड्राइव सेट ऑफ ए जो है वो सबसेट है ए का। अगर ड्राइव सेट ऑफ ए है स्टूडेंट सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ये है कि ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए जो है वो भी सबसेट होगा किसका, ए का। ड्राइव सेट ऑफ ए जो है अगर स्टूडेंट ए का सबसेट है, तो जब हम ड्राइव सेट ऑफ ए का यूनियन ए के साथ लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हर सेट जो है वो अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो हम फिर लिख सकते हैं कि ये जो है वो इस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। अगेन सुना हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो इक्वल टू होता है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए के। ये हमने थ्योरम जो लास्ट वीडियो में प्रूव किया हुआ है। तो फिर इसी पे देखो हम ये लिख सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए इसके इक्वल होता है, तो ये सबसेट हो गया ए का। ठीक है, बट हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि ए जो है वो सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का। यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि ए जो क्लोजर ऑफ ए जो है वो सबसेट है किसका, ए का। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि ए जो है वो सबसेट होता है किसका, क्लोजर ऑफ ए का। मीन के क्लोजर ऑफ ए जो है वो सी का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। तो यहां से फिर हम ये लिख सकते हैं, देखो सुनो यहां पे क्या आ गया, ए जो है वो सबसेट हो गया, ए क्लोजर ऑफ ए जो है वो सबसेट है ए का, और ए जो है वो सबसेट है क्लोजर ऑफ ए का। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों आपस में क्या है, ए इज इक्वल टू है क्लोजर ऑफ ए के। तो अब क्लोजर ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, क्लोज सेट होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर ये क्लोज है इसका मतलब ये भी क्या होगा, क्लोज होगा। हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, हेंस ए इज क्लोज। तो ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, प्रूव हो गया।